मैं डॉक्टर सुनीता स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, LBS गवर्नमेंट कॉलेज, कोटपुतली। आज का हमारा टॉपिक है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस का मीनिंग क्या है? कोडोमिनेंस एलीलिक जीन इंटरेक्शन है जिसके अंदर कोई भी फिनोटाइप, अगर उसकी जीनी संरचना यानी जो जीनोटाइप है वो हिट्रोजाइगस है, उस स्थिति के अंदर वो फिनोटाइप जो है वो दोनों जो एलील है उसका इंटरमीडिएट ना हो करके, और दोनों जो होमोजाइगोट्स हैं यानी अगर जो हिट्रोजाइगस कंडीशन में जीन है उनको सेपरेटली जो उनके जो दोनों जीन हैं वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे। और कोडोमिनेंस का जो एग्जाम्पल है वो एमिन ब्लड टाइप के अंदर देखा जा सकता है। कोडोमिनेंस वास्तव में वो फिनोमिना है जिसके अंदर दो एलील्स जो कि किसी भी सेम जीन के डिफरेंट वर्जन हो सकती हैं और वो अपने आप को किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर इक्वली जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती हैं, और इसके परिणाम स्वरूप जो कुछ लक्षण है वो किसी अलील के लिए अगर एसोसिएटेड है तो वो साइमल्टेनियसली डिस्प्ले हो सकते हैं। एमएन ब्लड ग्रुप के अंदर जो कि ह्यूमंस के अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि अपने आप को कोडोमिनेंट शो करता है, यानी एमएन ब्लड ग्रुप का जो एलिलिक है, एलिलिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि इसे डिस्कवर किया था सबसे पहले लैंडस्टीनर और लेविन ने, और उनके सम्मान के अंदर जो एमएन ब्लड ग्रुप है उनका जो जीनोटाइप है उसे शो किया जाता है, जैसे एल और उसके हेड के ऊपर एम लिख देते हैं और इसी तरह एल के हेड के ऊपर एन हम लिख देते हैं। और यहाँ पे हमारे पास में तीन तरह के जो ब्लड ग्रुप हैं वो हो सकते हैं, जैसे एम, एम एन और एन। और एम का जो जीनोटाइप हुआ है वो होगा एल की हेड पे एम और एल के हेड पे एम, और एम एन में होगा जीनोटाइप एल के हेड पे एम और एल के हेड पे एन। इसी तरह एन का जो जीनोटाइप है वो होगा कैपिटल एल के हेड पे एन और कैपिटल एल के हेड पे एन। यानी कहने का मीनिंग ये है कि इसे जो एंटीजेंस रेड ब्लड कॉर्पसल्स के सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं उस बेस के ऊपर इन्हें जो है अलग अलग ब्लड ग्रुप के अंदर हम डिवाइड कर देते हैं। और मान लीजिए कोई ब्लड ग्रुप है एम जिसका जीनोटाइप होगा कैपिटल एल हेड के ऊपर एम, कैपिटल एल हेड के ऊपर होगा एम, यानी इसके अंदर जो एंटीजन है वो एम प्रेजेंट होगा। एम एन के अंदर जो एंटीजन है वो दोनों प्रेजेंट होंगे, एम बी और एन बी, और इसी तरह जो एन ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा एन और एंटीजन जो एम है वो एब्सेंट होगा। अगर हमें कोडोमिनेंस को समझना है तो उससे पहले हमें कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को भी समझ लेना जरूरी है। कंप्लीट डोमिनेंस को सबसे पहले जो है ग्रिगोर मेंडल ने गार्डन पी के ऊपर अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उन्हें किस तरह से शो किया गया है, तो कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर जैसे ग्रिगोर मेंडल ने किसी भी एक ट्रेट को लिया जो कि लेंथ था, पी प्लांट की लेंथ, और लेंथ के जो दो एलील है वो है कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी इनका जो जीनोटाइप है पेरेंट का वो है कैपिटल टी और डार्क का होगा स्मॉल टी, इनकी गैमिट्स क्रमशः कैपिटल टी और स्मॉल टी होंगे। जब इन दोनों का फ्यूजन कराया जाता है यानी इनमें पॉलिनेशन कराया जाता है तो F1 जनरेशन के अंदर जो प्लांट है वो होंगे फिनोटाइपिकली टॉल और जीनोटाइपिकली कैपिटल टी और स्मॉल टी। और जब F1 जो जनरेशन है उसकी जो सेल्फिंग कराई जाती है उस कंडीशन के अंदर हमें जीनोटाइपिकली जो है वो तीन तरह के प्लांट प्राप्त होते हैं और फिनोटाइपिकली दो तरह के। जीनोटाइपिकली जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, यानी
फिनोटाइपिकली दो तरह के प्लांट हैं, टॉल और डार्फ। तो यहाँ पे टॉलनेस को जो जीनोटाइप शो कर रहा है वो कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी, यानी जब टॉलनेस के लिए जो हिट्रोजाइगस जीन है, जब वो हिट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर उपस्थित है, तो भी वे जो डोमिनेंट जीन है यानी डोमिनेंट जो फिनोटाइप है उसी को शो कर रहे हैं। इसका मतलब इसे हमने कंप्लीट डोमिनेंस नाम दिया। इसी तरह इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर, जैसे स्नैपड्रैगन के अंदर शो किया गया है कि जैसे फ्लावर कलर को लिया हमने, दो तरह के फ्लावर्स लिए और रेड और वाइट, और उनके जो गैमिट्स हैं वो है कैपिटल आर स्मॉल आर। F1 जनरेशन के अंदर हमें जो प्लांट प्राप्त हो रहे हैं वो है पर्पल, क्योंकि पर्पल कलर जो है वो रेड और वाइट का इंटरमीडिएट है। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर भी क्या हो रहा है कि जो F1 जनरेशन के अंदर हमें जो प्लांट प्राप्त हो रहे हैं वो दोनों पेरेंट के इंटरमीडिएट हमें प्राप्त हो रहे हैं, यानी यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो शो हो रही है। इसी तरह को डोमिनेंस के अंदर, क्या है, जैसे हमने ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप को देखा, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर जो ब्लड ग्रुप है वो होता है ए बी और ओ प्रकार का। जैसे यहाँ पे ए ब्लड ग्रुप है तो उसके लिए जो एलिलिक स्ट्रक्चर है वो है आई ए, और सॉरी जो जीनोटाइप है वो है आई ए और आई ए। इसी तरह बी के लिए जो जीनोटाइप है वो है आई बी और आई बी, इनके गैमिट्स क्रमशः आई ए और आई बी होंगे। F1 जनरेशन के अंदर हमें आई ए और आई बी, यहाँ पर ए और बी पेरेंट का जो है वो फिनोटाइप था, लेकिन जो प्रोजेनी है यानी F1 जनरेशन है उसके अंदर ब्लड ग्रुप है ए बी। ए बी ए और बी के इंटरमीडिएट नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट जो है वो फिनोटाइप है। इसका मतलब ये जो दोनों जीन है ए और बी, ये साथ साथ जो है, लक्षण एक है ब्लड ग्रुप, लेकिन ये साथ साथ जो है वो शो हो रहे हैं, यानी ए बी इंडिपेंडेंटली। ए बी एक अलग ब्लड ग्रुप है, ए अलग ब्लड ग्रुप है, और बी अलग अलग जो है वो ब्लड ग्रुप है। इसका मतलब है कि ए बी के अंदर दोनों जो जीन है वो साथ साथ अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब डिफरेंस क्या हो सकता है कि जैसे डोमिनेंस है उसके अंदर अगर फिनोटाइप है वो हिट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर है, चाहे होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है, तो वो अगर डोमिनेंट कोई ट्रेट है उसके लिए सेम होगा। इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर जो हिट्रोजाइगोट कंडीशन है, जैसे F1 जनरेशन के अंदर जो प्रोजेनी है, वो दोनों जो डोमिनेंट जीन है यानी उन दोनों का, दोनों जो किसी भी लक्षण को नियंत्रित करने के लिए जो दो हमने डोमिनेंट ट्रेट लिए उनका इंटरमीडिएट होगा। और कोडोमिनेंस के अंदर जो हिट्रोजाइगोट्स हैं वो फिनोटाइपिकली उसके जो दोनों जीन हैं उनको शो करता है इंडिपेंडेंटली। कोडोमिनेंस को जैसे हम शो कर सकते हैं ह्यूमन ब्लड ग्रुप के अंदर, जैसे ए बी और ओ प्रकार की है, तो यहाँ पर तीन जो है एलील है जो कि किसी एक ही लक्षण को नियंत्रित कर रहे हैं, जिसमें जो दो एल दो कोई भी दो जो एलील है वो एक साथ कोडोमिनेंट हो सकते हैं और एक रेसेसिव कंडीशन के अंदर रहता है। जैसे अगर जीनोटाइप है आई ए जो कि ए एंटीजन को प्रेजेंट करता है, आई बी है तो बी एंटीजन को, और स्मॉल आई है तो जो कि वो रेसेसिव कंडीशन के अंदर है, इसका मतलब है उसमें कोई एंटीजन नहीं है। अब किस तरह से कोडोमिनेंट क्रॉस को दिखाया गया है कि अगर हमने F1 जनरेशन के अंदर जो प्राप्त प्रोजेनी है जिनका जीनोटाइप होता है आई ए और आई बी, इन दोनों के बीच में जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें तीन तरह के ब्लड ग्रुप मिलेंगे, जैसे ए बी और ए बी, और जो रेशियो है वो है ए का रेशियो 1, ए बी का 2 और बी का होगा 1। कोडोमिनेंस जो है वो ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य के अंदर या
जो जानवर हैं उनके अंदर ही होती है। कोडोमिनेंस को प्लांट्स के अंदर भी देखा जा सकता है, रोडोडेंड्रोन के अंदर। रोडोडेंड्रोन के अंदर जैसे फ्लावर का कलर है रेड और वाइट, तो रेड और वाइट पेटल एक ही प्लांट के अंदर हम साथ साथ एक ही फ्लावर के अंदर देख सकते हैं। थैंक यू।